आवाम के लिए बुरी खबर है। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। बिजली कंपनीज ने रवां माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा ने कंपनीज की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल कर ली है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आवाम के लिए बुरी खबर है। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। अथॉरिटी अदाद व शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। बिजली कंपनीज ने रवां माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा ने कंपनीज की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल कर ली है। शहरी अवामी सवारी खरीदने की सख्त से भी महरूम, रुपये की तनजली ने अवाम की मुश्किल में मजीद इजाफा कर दिया है। यामाहा ने एक मरतबा फिर अवामी सवारी की कीमत 3500 तक बढ़ा दी है। यामाहा कंपनी की कोई मोटरसाइकिल भी अब 3 लाख से कम पर दस्तयाब ही नहीं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, रुपए की तनजली ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। एक मरतबा फिर यामाहा कंपनी की जानब से अवामी सवारी की कीमतों में 3500 रुपए का इजाफा किया गया है और अब 3 लाख रुपए से कम पर यामाहा कंपनी की कोई बाइक भी दस्तयाब नहीं है। यामाहा की जानब से जिन बाइक की कीमतों में इजाफा किया गया है, इनमें YB125Z 3000 इजाफे से 3,08,500 रुपए की मिलेगी। YB125Z DX 3,500 रुपए इजाफे से 3,30,500 रुपए में मिल सकेगी और इसी तरह YBR125CC 3500 रुपए इजाफे से 3,39,500 रुपए की हो चुकी है, जबकि 125G रेड ब्लैक 3,500 रुपए इजाफे से 3,53,000 और YBR125CC GMAT डार्क ग्रे 3,500 रुपए इजाफे से 3,56,000 रुपए की मिलेगी और यामाहा की जानब से इन नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आपने अपडेट किया।